टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की। स्वतंत्र देव के इस्तीफे के बाद नया अध्यक्ष तय। यूपी भाजपा के नए बॉस का जल्द होगा ऐलान। पार्टी ओबीसी चेहरे पर लगा सकती है दांव। चित्रकूट में जादूगर ने करवाया अश्लील डांस। संत समाज ने जताया आक्रोश। कहा प्रशासन ने ध्यान नहीं तो करेंगे आंदोलन। तमंचे से धमका कर ऑटो चालक से लूट। रात में लूट, सुबह पकड़ा गया ड्राइवर ने बदमाश को। दूसरी वारदात से पहले ही दबोचा। कोलकाता से लेह लद्दाख की यात्रा पर निकला दिव्यांग उज्जवल। साइकिल से कर रहा यात्रा। सड़कों के किनारे पौधा तैयार करने का लक्ष्य। कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी गोली लगने से घायल। दूसरा मौके से फायदा उठाकर फरार। 65 लाख लेन देन में जेई ने पत्नी बेटी संग किया सुसाइड। लेटर में लोन बेइज्जती और 4 आरोपियों का जिक्र। पड़ोसी से कह रहा था आज आखिरी दिन। आजमगढ़ के ज्वेलर डिप्टी ज्वेलर समेत 4 सस्पेंड। ज्वेल को बनाया पिकनिक स्पॉट। 5,000 में मोबाइल, 900 में शराब और 25 में गुटखा। पंचरना जोड़े पर मिस्त्री से मारपीट। थाना सुहागन क्षेत्र में दबंग युवक ने साथियों को बुलाकर की पिटाई। घटना सीसीटीवी में कैद। गाजीपुर में सूखे माइनर को लेकर किसानों में बढ़ रहा आक्रोश। सिंचाई के अभाव में कई गांवों की बर्बाद हो रही खेती। सीएम से भी लगा चुके गुहार। बुलंदशहर में 123 किसानों पर FIR। ट्यूबवेल से मीटर उखाड़ने पर पावर कॉर्पोरेशन ने करवाई कार्रवाई। भाकियों ने किया आंदोलन का ऐलान। बाराबंकी के हुक्काबार में पुलिस ने मारा छापा। ऐश करते मिले 2-24 नाबालिग का कई लड़के लड़कियां। मौके से फरार। आगरा में घर के बाहर टहलती महिला से चेन स्नैचिंग की घटना। सामने महिला दरोगा की पत्नी, बच्चा गोद में था। बदमाश ने चेन खींची, 12 सेकंड के बाद भागा। 11 साल की बच्ची से अश्लीलता। 4 आरोपियों ने बच्ची की मांग में भरा सिंदूर और 2 गिरफ्तार। बिजनौर में मामूली विवाद को लेकर मारपीट। 4 घायल। बच्चों के खेल को लेकर हुआ था विवाद। हमीरपुर में उफनते नाले में वही बोलेरो। तेज बहाव में बह गया 3 साल का मासूम। बाकी लोग सुरक्षित। बच्चे का रेस्क्यू जारी। कन्नौज में तीसरी नजर से की जाएगी अपराधियों की निगरानी। आमजन को सहयोग से देने के लिए तिराहे पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। बांदा में जमीनी विवाद में बुजुर्ग की हत्या। जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं आरोपी। लाठी डंडों से परिवार पर किया हमला। मेहंदावल में शिक्षक की भूमिका में नजर ITIOS। क्लास में बच्चों ने सवाल का दिया सही जवाब। मनमोहन शर्मा ने मेहनत से पढ़ाई करने की दी सलाह। उन्नाव में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। संक्रमित पाए जाने पर लखनऊ भेजे जाएंगे सैंपल। बचाव के बताए गए उपाय। अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल में एक भी EMO नहीं। 6 डॉक्टरों का हुआ ट्रांसफर। रोजाना 800 से ज्यादा है OPD। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की कार्यवाही। मथुरा में आगामी त्योहार को लेकर खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के यहां मारे छापे। बदायूं में सपा विधायक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। बिसौली विधायक ने बिजली घर पर SSO से की मारपीट। वीडियो आया था सामने। वाराणसी में GST अधिकारियों पर हमला। व्यापारियों ने अधिकारियों को खदेड़ा। कहा नहीं करेंगे अमृत महोत्सव का समर्थन। मिर्जापुर प्रतिभा खोज में नहीं मिला रामलीला के पात्र। 2 दिन तक कार्यक्रम में मिले महज 1 सितार वादक। 46 में दिखाई प्रतिभा। शामली में मामा भांजे समेत 4 की मौत। 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से टकराई बाइकें। 2 शामली और 2 सहारनपुर के रहने वाले थे। बरेली में पेट्रोल पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या। ट्रक से डीजल चोरी कर रहे थे, मैनेजर ने देख लिया तो मार दी गोली। गोरखपुर के PNB बैंक में लगी आग। सारा सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग पर पाया काबू। पूर्वांचल एक्सप्रेस से RPF और GRP ने पकड़े 101 कछुआ। 8 लाख बताई जा रही कीमत। रेलगाड़ियों में शराब की भी हो रही है तस्करी।
इमरान मसूद का अखिलेश पर निशाना, बोले मुझसे कहा गया कि चुनाव नहीं लड़ना, कितनी कुर्बानी दूं बीजेपी को हराने में अपना नेता मार। फतेहपुर में दिखा टाइगर वन विभाग ने मानने से किया इनकार, बोले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। अलीगढ़ के राजा कॉस्मेटिक पर मिले लाखमे के नकली आइटम, कार्रवाई के नाम पर दिखी सिर्फ खाना पूर्ति। औरैया में धूमधाम से मनाया गया उज्जवल भारत का कार्यक्रम, कार्यक्रम में विद्युत बिल जमा करने एवं उपयोग को लेकर जिलाधिकारी ने दिया संदेश। बलिया के एएनएम सेंटर में दबंगों का कब्जा, दबंगों ने एएनएम सेंटर में रखा भूसा। बांदा में जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने लाठी डंडों से पिता पुत्र की हत्या की हमला किया, किसान की मौत, दो पुत्र गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी, 15 लाख रुपए की ठगी, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, एसएसपी से की शिकायत। देवरिया में मंदिर का गेट बंद होने पर नाराज महिलाओं ने गेट के बाहर किया जलाभिषेक, बाउंड्री वॉल के बाहर ही शिव को पूजती नजर आई महिलाएं। गाजियाबाद में सिख युवती के साथ लव जिहाद का मामला आया सामने, महिला से सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर लोगों से लगाई मदद की गुहार। हरदोई में प्रधान अध्यापिका के पति ने छात्रों को पीटा, जांच अधिकारी को पीड़ित छात्रों ने बताई आप बीती, बीएसए ने किया निलंबित। मैनपुरी में मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना के भुगतान निकाला, लाखों का घोटाला, ग्राम प्रधानों ने लाइटों के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया। रायबरेली में चोरों ने तीन घरों को बनाया अपना निशाना, नकदी समेत लाखों पर किया हादसा। अलीगढ़ में युवक की बेरहमी से पेड़ से बांध कर की पिटाई, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने लिया संज्ञान। अंबेडकर नगर में कावड़ यात्रा में लापरवाही बरतने पर 5 पुलिसकर्मी निलंबित, कावड़ यात्रा की सुरक्षा में लगे थे पुलिसकर्मी। बुलंदशहर में डीजे की धुन पर पुलिसकर्मियों का डांस करने का वीडियो वायरल, कावड़ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का डांस आया सामने। फरुखाबाद में खंड विकास अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों का उड़ा रहे मखौल, खंड विकास कार्यालय परिसर में ही बने आवास पर लटका मिला ताला। अलीगढ़ में गैस सिलेंडर एजेंसी उपभोक्ताओं पर डाल रही है दोहरी मार, गाड़ियों में सीएनजी की जगह एलपीजी सिलेंडर का हो रहा इस्तेमाल। बुलंदशहर में सड़क हादसे में महिला की मौत, ट्रैक्टर से बाइक टकराने पर हुआ हादसा, 3 वर्षीय मासूम अस्पताल में भर्ती। हमीरपुर में गरीब का आशियाना हुआ धराशाही, लगातार हो रही बारिश से कच्चा घर भर भरा कर गिरा, गरीब किसान ने भागकर बचाई अपनी जान। कन्नौज में श्रद्धालु कार हुई हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार कार, हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। कानपुर देहात के स्कूल में मासूम बच्चे लगा रहे झाड़ू, मासूम बच्चे का झाड़ू लगाते वीडियो वायरल, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक कर रहे मनमारी। लखीमपुर खीरी में फिर किसान पर बाघ ने किया हमला, बाघ के हमले से किसान की हालत गंभीर, वन विभाग के अधिकारी बने मूक दर्शक। श्रावस्ती में दहेज के लिए विवाहिता को घर से भगाया, पिटाई से महिला को आई गंभीर चोट, पति पर 3 बार गर्भपात कराने का भी लगा आरोप। कानपुर में फीलखाना थाने से चंद कदम की दूरी पर बम धमाका, बम फटे से एक युवक हुआ घायल, क्षेत्र में दहशत मचा हड़कंप। नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल में दूसरे दिन भी आईटी की छापेमारी जारी, डॉक्टर लाल के 20 ठिकानों पर कल से चल रही आईटी की रेड। फरुखाबाद में नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़, छात्रा के हाथों में किताब की जगह दिख रहा है झाड़ू, प्रधानाध्यापक ने पत्रकार को दी धमकी। हमीरपुर में अवैध असलाह फैक्ट्री में पुलिस ने मारा छापा, भारी मात्रा में बने अधबने असलहे हुए बरामद, 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीएससी नवाबगंज में दलालों का बोलबाला, जांच और एक्सरे के लिए एक्ट रहे पैसे, तीमारदार ने डीएम को लिखा पत्र। झांसी में सड़क हादसे में एक लौते बेटे की मौत, बुलेट से बहन के घर दतिया जा रहा था युवक, कानपुर हाईवे पर ट्रक ने रौंदा। राष्ट्रपति वाले बयान पर मायावती भी बीजेपी सपोर्ट में, कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए, जातिवाद से बाहर आने की जरूरत। आम आदमी पार्टी ने निकाली महंगाई की अर्थी, कमिश्नरी से निकलकर जबरन कलेक्ट्रेट में घुसी, आप कार्यकर्ता धरने पर बैठे।
हापुड़ में न्यायालय की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन, एसडीएम दफ्तर की तालाबंदी, तहसील चौराहे पर लगाया जाम। स्वामी प्रसाद मौर्य को हराने वाले बीजेपी विधायक की पाठशाला कॉलेज में रोजाना पढ़ाते हैं सोशल साइंस। हापुड़ में सीमेंट लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई रोडवेज बस, 12 सवारियां घायल, पुलिस ने सभी को पहुंचाया अस्पताल। लखीमपुर में 1.78 करोड़ का अनाज घोटाला, बाकीगंज गोदाम में एमडीएम का 4,700 क्विंटल अनाज गायब, गोदाम प्रभारी के खिलाफ केस। बलरामपुर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला तस्कर गिरफ्तार, गांजा बरामद, एसपी ने टीम की तारीफ की। मौलवी ने 6 साल की मासूम के साथ किया दुष्कर्म, मस्जिद में दीनी तालीम लेने गई थी बच्ची, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में बनाए गए 3 नए थाने, एसपी ने तैनात किए एसओ, जिले में थानों की संख्या 24 हुई, एडीजी करेंगे लोकार्पण। महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, प्रयागराज के सुभाष चौक पर पार्टी कार्यकर्ता, खाद्य सामानों पर जीएसटी लगाने का जताए रहे। स्कूल प्रबंधक का पति ने शिक्षिका का किया रेप, शाहजहांपुर में बहाने से होटल में बुलाकर किया दुष्कर्म, बनाया वीडियो। सांसद वरुण गांधी के निशाने पर केंद्र सरकार, ट्वीट में लिखा आंकड़े बता रहे बेरोजगारी का आलम, 1 करोड़ पद खाली। गाजीपुर में मनाया गया बिजली महोत्सव, भारत अब अपने पड़ोसी देशों को कर रहा बिजली निर्यात, गिनाई गई ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्धियां। उन्नाव पुलिस ने 2 इनामी अपराधियों को किया गिरफ्तार, थाने से भागा था वांछित धर्मेंद्र, एसपी ने घोषित किया था 25,000 का इनाम। सोने चांदी के झूले पर विराजे बांके बिहारी, 22 किलो सोना और 1,000 किलो चांदी का झूला तैयार, हरियाली तीज पर देंगे दर्शन। कर्मचारियों का नगर निगम में हंगामा, महापौर ने कहा कर्मियों के साथ मारपीट हुई, नगर आयुक्त चुप रहेंगे, ये चिंता की। अमरोहा में आपने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन, भाजपा सरकार को बताया जिम्मेदार, आंदोलन की दी चेतावनी। बाराबंकी में जीजा ने 6 वर्षीय साली से किया रेप, पत्नी बोली पति ने हाथ पर बांध कर की दरिंदगी। पिछहत्तर जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।